नमस्कार दोस्तों लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में भी एम अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास भी एम का मोबाइल है और अगर आप अपने मोबाइल में एम अकाउंट जो है क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो और गाइस आप अपने मोबाइल में एम अकाउंट कैसे बना सकते हो तो गाइस अगर आप भी जानना चा चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है सिंपली गाइस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर गाइस आपको जो है मोबाइल के सेटिंग्स में एम अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की एम आई अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है लेकिन गाइज यहाँ पर आपको एम आई अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में सर्च बार का ऑप्शन जरूर मिलता होगा तो यहाँ पर आपको जो है एम आई अकाउंट आपको सर्च करना है जैसे यहाँ पर आप एम आई अकाउंट सर्च करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको एम आई अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख देखते एम आई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से गईस आप एम आई अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर गए जैसे आप एम आई अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको अपने मोबाइल नंबर से एम अकाउंट बना सकते हो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप अपने ई मेल से बना सकते हो और यहाँ से फेसबुक और गूगल से भी आप अपना जो है एम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जिस भी तरीके से आप एम अकाउंट बनाना चाहते हो यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो तो फिलहाल यहाँ पर अगर आपको मोबाइल नंबर से बनाना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है अगर आपको ईमेल आईडी से बनाना है तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करके क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको फेसबुक या पर गूगल से बनाना है तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो तो फिलहाल गाइज यहां पर मैं अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बना देता हूं तो यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं तो गाइज मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया इसके बाद इस ऑप्शन को आपको टिक करना और यहां पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना और दोस्तों यहाँ पर आप हो तो पासवर्ड डालने का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है यानी गाइस मैंने इस नंबर से यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एम अकाउंट क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर इस तरीके से आप शो ऑप्शन शो कर रहा है तो यानी आपका जो है पहले से इस नंबर से अकाउंट बना हुआ है तो अगर आप इसी अकाउंट को यहाँ पर लॉग इन करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है पहले से आपका अकाउंट बना हुआ अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉगर्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके इस नंबर पर पासवर्ड आ जाएगा इसके बाद उस पासवर्ड को डालने के बाद गाइस आप अपने पुराने अकाउंट को जो है लॉगिन कर सकते हो पुराने अकाउंट एम आई अकाउंट को आप जो है लॉग इन कर सकते हो लेकिन गाइस अगर आपको नया एम आई अकाउंट बनाना है तो गाइस आप अपने मोबाइल नंबर की जगह आप अपनी ई मेल आई डी से यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो तो इसके लिए गाइस आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग ई मेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है जिसपे पे ईमेल आईडी पर आपको जो है अकाउंट बनाना है इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको शो करा है तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो अपना पासवर्ड डाल देना इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है पासवर्ड में गाइस आपको मिनिमम एट कैरेक्टर और मैक्सिमम सिक्सटीन कैरेक्टर यहाँ पर आप डाल सकते हो पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो गई कुछ इस तरीके से पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रॉबोट वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा शो कर जाएगा तो यहाँ पर आप क्रॉस वॉक यहाँ पर शो कराए तो जो भी कैप्चा में यहाँ पर लिखा हुआ था उसी टाइप का आपको जो है इमेज चूज़ करना है तो जहाँ पर भी क्रॉस वॉक है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर आप चूज कर सकते हो इसके बाद सिंपली आपको जो है वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आप नया कैप्सा यहाँ पर शो करा तो यहाँ से गाइस आप, आप जो है फिर से यहाँ, से यहाँ पर चूज कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आपका कैप्सा रॉन्ग बता तो यहाँ पर फिर से गाइस आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर है इसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर अभी ट्रैफिक लाइट का शो कर रहा तो जहाँ पर ट्रैफिक लाइट लाइट का इमेज आपको शो करता है उसको सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पर आपको करना है तो इस यहाँ पर जो है व्हीकल का शो करा तो इस तरीके से जितने कैप्शा आपको शो करते हैं उसको आपको इस तरीके से टिक करने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक करते जाना है इसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद तो यहाँ पर गाइस आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपके जो भी ई मेल आपने डाली है उस ई मेल पर यहाँ पर एक मेल आएगा तो उस मेल से आपको वेरीफाई कर लेना है तो, तो सिंपली गाइस आपने जो भी ई डाला है उस जी मेल एप्लीकेशन में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको इस ई मेल को यहाँ पर आपको लॉग करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख देखते यहाँ पर आप देख देखते एम आई का यहाँ पर जो है मेल आ चुका है तो यहां पर आपको एक्टिवेट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद गूगल क्रोम पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर आपका एम अकाउंट जो है यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा सो so यहां पर आप देखते इस तरीके से क्लिक करने के बाद कंप्लीट पर आपको क्लिक करना और यहां पर आपका जो है एम अकाउंट जो है यहां पर वेरीफाइड हो जाएगा तो एम आई अकाउंट बन चुका है इसके बाद गाइस गए पर फिर से गाइस मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हैं और यहां पर एम आई अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गाइस आपको सिंपली साइन इन यूजिंग एम आई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर अब यहाँ पर आपको एम आई अकाउंट को लॉग इन कर लेना है आपको यहाँ पर अपनी ई मेल आई डी डालनी है ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है इसके बाद इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड और टिक करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आपका एम अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा सो so गाइज आप देखते तो यहाँ पर हमारा जो है नया एम अकाउंट यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है इसके बाद यहाँ से आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हो अपनी जो है पर्सनल अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो इस तरीके से आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाता है पर्सनल इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो ऐड कर सकते हो नेम ऐड कर सकते हो और आपकी एम आई अकाउंट एम आई आई डी यहाँ पर आपको शो हो जाती है तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी जो है एम आई अकाउंट बना सकते हो यहाँ पर अगर आपके एम आई अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपना नया एम आई अकाउंट बना सकते हो और इस तरीके से आपका एम आई अकाउंट आई डी शो हो जाता है और अगर, अगर आपका मोबाइल कभी कबार खो जाता है तो एम आई अकाउंट से आप अपने मोबाइल को जो है ट्रैक कर सकते हो और भी बहुत सारे एम आई अकाउंट के बेनिफिट आपको जो है मिलते हैं तो इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से अगर आपके एमआई अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से आप जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा